उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक की सबसे भ्रष्टाचार वाली भर्ती है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है। मैं सिक्योरिटी जॉब करता था सर, उसमें मैं रह के मेहनत किया, 16-16 घंटे ड्यूटी करता था, उसके बाद मेहनत करता था। तो कोई आदमी आएगा 20,000 रुपए दे के नौकरी ले लेगा तो हमारा क्या होगा, आप बताइए कहाँ से सिस्टम का क्या होगा आगरा का। मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिनकी छवि पूरे प्रदेश में जानी जाती है बुलडोजर बाबा के नाम से, कि वो अराजकता के खिलाफ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज मैं जानना चाहता हूँ कि भर्ती बोर्ड ने जिन बच्चों के नाम दिए हैं, क्या बुलडोजर उनके घर पर अभी तक चला या नहीं चला, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन केंद्रों के नाम इसमें आ रहे हैं, जिन दलालों के नाम इसमें आ रहे हैं, राजकुमार विश्वकर्मा जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है, इस कंपनी के जो चेयरमैन है, इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। योगी जी की सरकार है, योगी जी कह रहे निष्पक्ष होगा, गरीब आदमी नौकरी पाएगा, कहाँ से गरीब आदमी नौकरी पाएगा जब पहुँचेगा ही नहीं। करूँगा भर्ती के लिए, सन 2017 से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमने जी तोड़ मेहनत की, हमने अपना समय दिया, हम घर से दूर रह के पढ़े भी, लेकिन जब हम पेपर देख आते हैं हमें पता चलता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा बड़ी धांधलेबाजी हुई है। तो इस धांधलेबाजी से क्या होता है कि जिन बच्चों ने पैसे दिए वो लोग चले गए, ये सारे मेहनती लोग यहाँ बैठे हैं। सब दरोगा, सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस डिपार्टमेंट की रीढ़ होती है, और जब सर अगर जड़ ही खराब होगा तो उससे पूरे डिपार्टमेंट का बदनाम होगा, हमारा समाज खराब होगा, हमारा देश खराब होगा, हमारे योगी जी का जो सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, ये भी खराब होगा। ये पेपर 9 मिनट में सॉल्व करने का मामला सामने आया है, इतना पढ़ने वाला हो गया कि 157 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन धरना प्रदर्शन स्थल पर इस समय एसआई भर्ती में जो स्कैम हुआ है उसको लेकर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी रहे हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं 21 अप्रैल से। तो उसी में विकास राठौर जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो माहौल बना हुआ है वो लोग लगातार एविडेंस दे रहे हैं और उस पर धरपकड़ चल रही है और कई सारे लोग पकड़े भी गए हैं, उसके बाद भी जो उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा किन कारणों से, और ये जो स्कैम हुआ वो किस स्तर पे हुआ, उनकी क्या जानकारी है, वो कैसा फील कर रहे हैं इतने दिनों से धरना देकर, बात करेंगे विकास जी से। ये बताइए जो चल रहा है जी आप लोगों का धरना, आपने जो नाम दिए उस पर कार्यवाही हुई, पकड़े गए, उसके बाद भी जो भर्ती बोर्ड है जो आपकी मांग है वो क्यों नहीं माना, कैसे? देखिए सर, जैसे ही इस परीक्षा के बाद 1 सप्ताह बाद आंसर की आ गई थी, आंसर की जैसे ही आदि हम लोगों ने तब भी ट्विटर कैंपेन किया था कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है, तब हमारी बात भर्ती बोर्ड ने ये कहकर नकार दी कि ये भ्रामक जानकारी है, ये मतलब अफवाह फैलाई जा रही है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, अभी DBPST चल रहा है, भर्ती बोर्ड ने खुद 57 लड़कों को पकड़ा है और उन 57 लड़कों की लिस्ट भी जारी की है। मैं जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जिनकी छवि पूरे प्रदेश में जानी जाती है बुलडोजर बाबा के नाम से, कि वो अराजकता के खिलाफ हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ कि भर्ती बोर्ड ने जिन बच्चों के नाम दिए हैं, क्या बुलडोजर उनके घर पर अभी तक चला या नहीं चला, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिन केंद्रों के नाम इसमें आ रहे हैं, जिन दलालों के नाम इसमें आ रहे हैं, राजकुमार विश्वकर्मा जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है, इस कंपनी के जो चेयरमैन है, इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो ये कार्यवाही इस पर नहीं, और इससे आपकी मतलब आवाज़ से और बातों से पता चला काफ़ी नाराज़गी है, और जो काम सरकार या प्रशासन को करना चाहिए था कि ऐसी गलतियां ना हो, परीक्षा एक अच्छे तरीके से ईमानदारी के तरीके से पूर्ण होती, उसके बाद अगर गड़बड़ी हुई है और जिनको पुलिस को पकड़ना चाहिए था, प्रशासन को पकड़ा, वो आप लोग जानकारी जुटा रहे हैं, वो अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सर, कल विवेक सर ने कॉन्फ्रेंस की थी, सारे साक्ष्य उन्होंने दिखाए हैं, अगर किसी भी भर्ती बोर्ड के मेंबर को, किसी अधिकारी को कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे पास सारे साक्ष्य पूरी तरह से, जो ये बताने के लिए बहुत है कि इस भर्ती में कितनी बड़ी धांधली हुई है। मैं ये पूरे दावे के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी तक की सबसे भ्रष्टाचार वाली भर्ती है। इस भर्ती में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अभी तक हुआ है। अगर ऐसे भ्रष्ट अफसर जब बन के लोग जाते हैं,
तो ये मतलब आपके ही नहीं है, जो मेरा मानना है सामाजिक एंगल से देखा जाए तो वो व्यक्ति जहाँ पे जाएगा पैसे देकर तो वहाँ पे जो सामाजिक उत्पीड़न करेगा, जैसे अभी प्रयागराज है, ललितपुर के कई मामले ऐसे निकले हैं, थानों से आए हैं कि लोग वहाँ पे अपनी FIR दर्ज कराने गए थे, एक बिटिया का रेप हुआ था, उसका उन्होंने भी रेप कर दिया। तो ऐसे ही लोग जो गलत तरीके से, मेरा मानना अपना है कि जो जाते हैं वो फिर समाज को पीड़ित करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आपका ही ये मामला नहीं है, आपको नहीं लगता है मतलब एक सामाजिक मुद्दा भी है, समाज को भी इसका सपोर्ट करना चाहिए, ध्यान दें। बिल्कुल सर, समाज से मैंने कल भी बहुत ही भावुकता में अपील की थी कि सभी लोग इसे जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है इसको सपोर्ट करें आके, क्योंकि ये आगे वाले दरोगा, ये जो दरोगा अगर भ्रष्ट दरोगा पहले से ही हमारे अगर थानों में चले गए, ये हमारे समाज को खराब करने के लिए आएंगे, ये हमारे समाज को बचाने के लिए नहीं आएंगे। इसी बात है, जो पैसा के जाएगा वो पैसा लेगा ही। एक दरोगा सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस डिपार्टमेंट की रीढ़ होती है, और जब सर अगर जड़ ही खराब होगा तो उससे पूरे डिपार्टमेंट का बदनाम होगा, हमारा समाज खराब होगा, हमारा देश खराब होगा, हमारे योगी जी का जो सपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, ये भी खराब होगा। अगर एक बात बताइए, अगर हमें कोई बीमारी हो गई है तो मेडिसिन क्यों बना है बीमारी को ठीक करने के लिए? अगर इसमें कोई करप्ट आदमी आया है, अब कितना आया है ये तो किसी को नहीं पता, 2000, 4000, 10000, 20000, तो आखिर बात आती है, आप लोग कहते हैं कि 20000 रुपए में पेपर बिका है, आप लोगों को मानना, अब 20000 में बिकेगा तो 20000 तो कोई भी दे सकता है, तो ऐसे में तो जो 95 कुछ की भर्ती निकली है आप लोगों की, 9500 कुछ जी, तो इसमें तो मतलब कितना सही होगा ये तो कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। अब सर एक बात बताइए, पढ़ा लिखा बच्चा 110, 115, 120, 125 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन 20000 रुपए दे के 140 क्वेश्चन अगर करेगा तो सर पढ़े लिखे बच्चे का तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है सर। पहले तो वो 15 से 20 लाख वसूलेगा अगर नौकरी करेगा, वसूलेगा तो समाज से ही ना, गरीब से ही वसूलेगा ना, जो व्यक्ति पीड़ित होगा। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं इतने पढ़े लिखे, हमें सामने किया जाए जो 5 मिनट में 150 सवाल कर देते हैं, 5 मिनट के अंदर 150 सवाल सही करते हैं। सुनिए, ये पेपर 9 मिनट में सॉल्व करने का मामला सामने आया है, इतना पढ़ने वाला हो गया कि 157 क्वेश्चन 9 मिनट का टैलेंट होगा तो ISPCS की भी तैयारी। अब ये योगी जी की सरकार है, योगी जी कह रहे हैं निष्पक्ष होगा, गरीब आदमी नौकरी पाएगा, कहाँ से गरीब आदमी नौकरी पाएगा जब पहुँचेगा ही नहीं। अभी कोई बता रहा था कि वो कह रहा था कि जो प्राची जी हैं महानगर से, उन्होंने बयान दिया कि इसमें मतलब कैंसर भी मामला है, वो क्या कुछ उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे रेंज में ये बात नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज़ उच्च अधिकारियों से मिलिए जो इस मांग को आपकी पूरी कर, हम लोगों ने सिर्फ SIT जांच की मांग की है, इसके अलावा हमने कोई दूसरी मांग नहीं की। आज मैं सुबह खुद मुख्यमंत्री आवास गया था, वहाँ से हमें भगाया गया है, और उसके बाद जब भी हम लोग जनता दरबार में गए थे, जनता दरबार में हम लोग जाते हैं, हमको धमकी दी जाती है कि UPSI के नाम पर मत आना, नहीं तो तुम लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, ये तक हमसे कहा गया है। जनता दरबार किस लिए? वो तो पीड़ितों के लिए, फिर UPSI हो, लेखपाल हो, किसान हो। मांग है कि जब तक सर हम लोगों को धमकी दी गई है, अगर जनता दरबार में UPSI का मुद्दा लेकर आएंगे तो हम सभी के खिलाफ मुकदमा कर देंगे। हम लोगों की मांग है जब तक इसका निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है तब तक इस व्यक्ति को इसे रोक दिया जाए, जाँच हो जाए उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मतलब सालों इंतजार करिए पहले कि कोई विज्ञापन निकले गवर्नमेंट का, फिर आया, फिर वर्षों ये चलेगा, तो ऐसे में भविष्य कैसा है युवाओं? मैं आपको बताना चाहूँगा, इस भर्ती दरोगा भर्ती के लिए सन 2017 से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हमने जी तोड़ मेहनत की, हमने अपना समय दिया, हम घर से दूर रह के पढ़े भी, लेकिन जब हम पेपर देके आते हैं हमें पता चलता है कि पेपर में बहुत ज़्यादा बड़ी धांधलीबाजी हुई है। जो इस धांधलीबाजी से क्या होता है कि जिन बच्चों ने पैसे दिए वो लोग चले गए, ये सारे मेहनती लोग यहाँ बैठे हैं, और हमारी बात को सुनने वाला ना कोई शासन है ना प्रशासन है, हमारी बात को सुनने वाला आज तक कोई भी जिम्मेदार अफसर भी यहाँ नहीं आया अभी तक भी, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, जो भी अफसर आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है विक्रम सिंह। कहाँ से? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से जी। हम लोग हाँ जी बताइए सर, ये कह रहे हैं कुछ जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो ये बोल रहे हैं कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। सर ऐसा कोई बात नहीं है, ये बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये बच्चे सेलेक्ट होने के लायक हैं, लेकिन सर जब इतने ज्यादा इसमें करप्शन वाले आ जाएंगे तो जो बच्चा एक नॉर्मल पढ़ने वाला उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है सर, मेरा रनिंग है, लेकिन मैं 6 तारीख को मेरा DBPST भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा सिलेक्शन हो गया, जब इतने बड़े लोग धांधली में पकड़े गए हैं। अच्छा आपका हुआ है? क्या नाम? मेरा हुआ है राजेश कुमार, मेरा 6 तारीख। राजेश जी आपका हो गया है, फिर भी आपके जो 7 के लोग हैं आप चाहते हैं उनके साथ भी नहीं आए? नहीं सर, जो गरीब बच्चा है जो ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा है, अगर उसका नहीं होगा तो सिर्फ एक आदमी से नहीं बात बनेगी ना, ऐसा नहीं कि मान लीजिए हो गया है, फाइनल में होगा कि नहीं होगा, या होगा भी नहीं, हो या ना उससे मतलब नहीं है,
बात यह सर कि अगर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो ये धांधली के लिए एक प्रॉपर SIT जाँच हो, SIT जांच में गलत बच्चों को बाहर कर दिया जाए, जो बच्चे ईमानदार उनको ले लिया जाए, अगर जरूरत पड़ती है तो एक और मेरिट लिस्ट निकाल दी जाए। बस मैं यही चाहता हूं कि एक निष्पक्ष SIT जांच हो, कोई री एग्जाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक SIT जांच कराने चाह रहे हैं, बस एक जांच होनी चाहिए सर SIT, जिससे प्रॉपर एक जो मेहनत करने वाला बच्चा उसका सिलेक्शन हो जाए, बस सर। सही बात है, इनका कहना है कि जो मेहनत कर रहा है ईमानदारी से जिसने परीक्षा दी है उसका सिलेक्शन हो, और जो लोग गलत तरीके से पैसा देकर या जुगाड़ से जो लोग सिस्टम में आ रहे हैं उनका उनकी जांच हो, उनके प्रति कार्यवाही हो। और यह आवश्यक भी है कि बड़े स्तर पे हो धांधली या छोटे स्तर पर, गलत हमेशा गलत ही रहता है। और जो पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस एक समाज, अच्छे समाज को बनाने में उसका बड़ा महत्व दायित्व रहता है। अगर गलत व्यक्ति जाएगा तो वो समाज का कैसे उत्पीड़न करेगा, ये कई बार देखने को मिलता है। जैसे प्रयागराज का मामला निकल के आया, ललितपुर का निकल के आया, तो ऐसे ही मानसिकता। सर हम लोग प्रयागराज से आए, सर हम लोग प्रयागराज से ही आए हैं, और हम लोगों ने विश्वविद्यालय में भी बहुत संघर्ष किया। 2011 की वैकेंसियों में ऐसे भी धांधली हुई, अंततः जाके बाद में फाइनल हुआ, और इस भर्ती में भी इतने बड़े SIT जांच। सर एक बात सुनिए, अगर मान लीजिए कोई बीमारी होती है तो उसके लिए मेडिसिन आया, आपने बता दिया ना सर, तो मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ के सर लोगों का भी प्रयास है कि भाई जो इनकी मांग है वह जायज मांग है, क्योंकि इनके द्वारा जो एविडेंस दिए जा रहे हैं उसपे ओनली मुख्यमंत्री सुन सकते हैं और किसी में कोई दम नहीं है, सब भ्रष्टाचार है। जितने भी नेता हैं, जितने भी कोई भी हमारे एविडेंस को लेने के लिए तैयार नहीं है सर। 20,000 रुपए में कोई दरोगा बनेगा तो हम जैसों को क्या होगा, 16 घंटे हमने मेहनत की है। क्या नाम है? काम करके मेहनत किया, मैं सिक्योरिटी जॉब करता था सर, उसमें मैं रह के मेहनत किया, 16 घंटे ड्यूटी करता था, उसके बाद मेहनत करता था। और कोई आदमी आएगा 20,000 रुपए दे के नौकरी ले लेगा तो हमारा क्या होगा, आप बताइए कहाँ से? सिस्टम का क्या होगा? आगरा का हूँ सर। आगरा से? हाँ सर। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके आप तैयारी कर रहे थे? तैयारी कर रहा था, वहीं पे बैठ के पढ़ता लिखता रहता था। मैं कह रहा था चलो इस बार मेरा कुछ हो जाएगा, 16 नौकरी करके उसमें 10 में निकाल के पढ़ता था। लेकिन पूछना चाहते हो क्या गरीब बच्चा नौकरी पा सकता है कि नहीं पा सकता? वो तो कहते हैं हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। गरीब बच्चा पा सकता जिसके पास पैसा ना हो, भ्रष्टाचार जो संलिप्त ना हो, नौकरी पा सकता कि नहीं, इतना मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हो। अगर पा सकता तो दिलाएं, SIT जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं, जो बच्चे सही जन्मिन जाने लायक हैं उनकी सिलेक्शन किया जाए उनका।